सोमवार को पुष्कर के तीर्थ पुरोहित नोरतमल पाराशर और श्याम सुंदर पाराशर ने पुष्कर में व्याप्त गंदगी और हनुमान गली में कचरा डिपो हटाने की मांग करते हुए पुष्कर एसडीएम सुखराम पिंडेल को ज्ञापन सौंपा। पुरोहितों ने ज्ञापन में बताया कि पुष्कर की हनुमान गली में कई सारे मंदिर हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना उस गली से गुजरते हैं, लेकिन उक्त हनुमान गली में बदल देव मंदिर की दूसरी ओर खाली पड़ी जमीन पर लोगों ने कचरा डालकर उक्त जमीन को कचरा डिपो बना दिया है, जिसके चलते हनुमान गली की छवि धूमिल हो रही है। गली में कचरा पड़ा रहने से आवारा जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है, इसलिए उक्त कचरा डिपो को तुरंत हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में साफ साफ कहा है कि अगर समय रहते प्रशासन ने कचरा डिपो नहीं हटाया तो क्षेत्रवासी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। एसडीएम साहब को आज पूरे नगर की गंदगी व्यवस्था दुर्गति हो रखी है, सफाई कहीं भी नहीं है, पूरे नाले वगैरह पूरी सड़कें हर जगह कचरा डिपो हो गया है। कचरा डिपो कोई नियत स्थान है नहीं। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब ने हमने निवेदन किया साहब अगर अब ये कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि बरसों से मामला गंदगी का चल रहा है और आज तक सफाई नहीं, कोरोना को चल रहा है उसके बावजूद भी कोई नगर पूरे नगर में सफाई व्यवस्था खराब हो रखी है और गंदगी का साम्राज्य हर जगह है। और कलेक्टर साहब को हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है और एसडीओ साहब को ज्ञापन दे करके उनसे निवेदन किया है, अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे आंदोलन किया जाएगा। आपका नाम? श्याम सुंदर पारा सर।